नमस्कार, मैं शमसुल वारसी और अगर मुस्लिम सम्मेलन का एक आवाज उठाया है इन्होंने महागठबंधन के लेकर कि मुसलमानों को मगध में जो सीट मिलनी चाहिए उसके लेकर, क्योंकि ये पार्टी के हमेशा महागठबंधन के साथ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, युवा नेता हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार कई वर्षों से और गठबंधन में मुसलमान हमेशा उनका योगदान रहा है। तो एक बड़ा आक्रोश नजर आता है कि जब पूर्व पिछले विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन से मुसलमानों को टिकट नहीं मिला था मगध में, तो क्या इस बार क्या लगता है कि टिकट मिलने जा रही है कुछ? सबसे पहली बात कि हम सभी अपने दोस्तों को, अपने गार्जियन को, सभी को सलाम और आदाब बोलते हैं। रहेगी बात कि महागठबंधन का जहां तक सवाल है, 15 में पूरे मगध में किसी भी मुसलमान को किसी दल ने टिकट नहीं दिया, तो आक्रोश तो हुआ और लोग मुसलमान लोग गर्म भी हुए इस मामले में। लेकिन हम लोग ने उन लोग को समझाया बुझाया, उसको मैनेज किया कि नहीं चलो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो फिर अगली बार। कब से राजनीतिक में बने हुए हैं आप? हम तो 2003 से ही बने हुए हैं। तो इन महागठबंधन को जब जितिए बोझ कुमार मान जी, उनको हम लोग अपने पूरा पूर्ण बहुमत से हम लोग सपोर्ट किया था और चुनाव में हम लोग जीत भी हासिल किया था। लेकिन उस वक्त से हम लोग लगे हुए हैं और शकील खान साहब को भी हम लोग 2000 में इलेक्शन में हम लोग सब मिल के सपोर्ट करके हम लोग चुनाव गुड़वा विधानसभा से उनको जितवाया था। उसके बाद से दिन ब दिन महागठबंधन के तरफ से मुसलमानों के प्रति अलग अलग रुझान, मुसलमान का रुझान तो महागठबंधन के तरफ है ही, लेकिन महागठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे लालू जी हैं, लालू जी के साथ और भी बड़े बड़े नेता हैं, उन लोग का रुझान मुसलमानों पर नहीं रहा। जैसे जैसे और समय बढ़ता गया वैसे वैसे मुसलमान से वोट लेने का प्रयास रहा, लेकिन मुसलमानों को सही जगह पर बैठाने का उनका प्रयास नहीं रहा। उन लोग ने एक ही काम किया कि बीच में भी गठबंधन कर लिए थे नीतीश कुमार के साथ, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग दोनों मिल जाते हैं तो दिमाग में एक बैठ गया कि अगर मुसलमान को हम लोग नहीं भी देते हैं टिकट तो मुसलमान जाएंगे कहाँ। उसको 25 रुपए दे दिया, खुश होकर चला गया। तो हमारे गार्जियन हम मांग सकते हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि अपने अपने बच्चों को उनको हक दें। अच्छा, मगध का मुस्लिम महासम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, महासम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि हमारे मगध क्षेत्र में हमारे मुसलमान भाइयों का भी भागीदारी राजनीति में अच्छी खासी रहे, ताकि आने वाला जनरेशन, आने वाला जो पीढ़ी है वो एक ये हमारा देखा देखी उन लोग भी सही से रास्ते पर चले, भटके नहीं। एक उनका रहबर कोई नहीं है, एक पैरवीकार भी उनका कोई नहीं है, पैरवी भी करने वाला जरूरी है। एक मामूली से ब्लॉक में, मामूली से कोई थाना में उनका कोई सुनने वाला नहीं है। कल जो महासम्मेलन रखा गया है उसमें किस तरह के लोग शामिल? देखिए, कल जो हमने सम्मेलन रखा है, मीटिंग रखी है, उसमें कोई राजनीति से कोई लेने दल नहीं है और ना किसी पार्टी या किसी दल के लोग उसमें शामिल किए गए। हमने एक सार्वजनिक जितने मुसलमान हैं उनको दावत दिया है कि आप आइए और शामिल हों और अपने हक की बात हम लोग करेंगे और जैसा मशवरा हुआ उसी को होगा। इसमें कोई राजनेता या किसी पार्टी के नेता लोग को हम लोग दावत नहीं दिया है, मुसलमान के नाते सभी लोग आ सकते। आप आलम को दीजिए, साहिद को दीजिए, मुख्तार को दीजिए, शफीक को दीजिए, ये हमको उसे कोई नजर नहीं है, लेकिन मुसलमान को दीजिए। मांग हो रही है महागठबंधन से 6 टिकट या 5 टिकट जो भी, उन टिकट पर अगर महागठबंधन टिकट नहीं देती है मुसलमानों को तो फिर क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, हमको पूरा विश्वास है महागठबंधन पर और हमको उम्मीद है कि मुसलमानों को महागठबंधन टिकट देगी मगध में। यदि नहीं देती है तो? नहीं देती है तो हम सब मुसलमान बैठ के इस पर विचार करेंगे
और जैसा विचार होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। अकेला हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, जब सभी मुसलमान का एक साथ निर्णय होगा उसी हिसाब से हम लोग फैसला लेंगे। सम्मेलन को लेकर क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने मुसलमान भाइयों से? देखिए, मैं तो फेसबुक के जरिए भी सबको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और सभी को फोन से भी संपर्क में है, और मैं सभी मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब मिलकर एक हाथ जोड़ करके आप लोग सब उस मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हों, ताकि आपकी ताकत ही आपकी पहचान है। इसी के साथ अनवर अली खान।